हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और अभी का जो टॉपिक है आज है माउथ वॉश के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है, माउथ वॉश के बारे में डिस्कस करेंगे। अब माउथ वॉशेस का क्या फ़ायदा है हमारे ओरल कैविटी, हमारे ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, और क्या उसका नुकसान है, ठीक है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। माउथ वॉश क्यों करना चाहिए और क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से वीडियो से स्टार्ट होने से पहले फटाफट से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, रेड बटन दबा दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की वो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माउथ वॉश सबको पता है। देखो, हमारे जैसे ही हम खाना खाते हैं या कुछ भी चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं या कुछ भी फास्ट फूड या जनरल कुछ भी चीज़ें खाते हैं, तो हमारी जीभ पर एक परत बन जाती है जिसको हम जैसे प्लाक बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी इनेमल के ऊपर प्लाक या कैलकुलस की एक परत बन जाती है, जैसे जैसे हम खाना खाते हैं या फिर कोई स्टिकी फूड खाते हैं या फिर ब्लॉजमेंट हो जाती है एक तरह से दांतों के बीच में अगर गैप है तो उसको निकालने के लिए उस बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना बढ़े आगे, ताकि जो भी लेयर जो बनी है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए हमें माउथ वॉश करना पड़ता है, ठीक है। अब माउथ वॉश के फ़ायदे यही हैं। एक तो बैड ब्रेथ जो भी हमें होती है, जो कि मुँह में खाना फंसने की वजह से हमें बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम खाना फंसने की वजह से मुँह में सड़न हो जाती है स्टार्ट, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर हम सोने से पहले रात को ब्रश कर रहे हैं और माउथ वॉशिस टाइम पे कर रहे हैं, तो माउथ वॉश क्या करेगा, वो जो भी अगर आपका इन्फेक्शन थोड़ा बहुत स्टार्ट होने वाला है तो उसको वहीं पे आपको स्टॉप कर देगा उस इन्फेक्शन को, और आगे बढ़ने से रोक देगा वहीं पर। सेकेंड चीज़ एक चीज़ ये है, और आपको ये नहीं कि आप दिन में 3 या 4 बार या 5 बार माउथ वॉश करिए जा रहे हैं कि मेरे मुँह से अच्छी खुशबू आएगी या कुछ ऐसा वैसा है, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। आपको जो भी मेडिकेटेड चीज़ें होती हैं वो कम से कम लेनी होती हैं। जब भी तो मैं आपको बताता हूँ कि घरेलू नुस्खों से ये हो जाएगा, घरेलू नुस्खों से हो जाएगा, वो इसीलिए होता है ताकि जो भी मेडिकेटेड चीज़ें हैं वो आप कम से कम यूज़ करो, ठीक है। तो आप मेडिकेटेड चीज़ें, आप जैसे ही माउथ वॉश है आपको 2 या 3 दिन में एक बार करना है, मतलब हर तीसरे दिन या फिर दूसरे दिन आपको एक दिन छोड़ के करना है या फिर 2 दिन छोड़ के आपको रात को सोने से पहले एक बार पूरे मुंह में घुमा के उसको स्पिट कर देंगे। तो यही था। और अगर जैसे आपको माउथ वॉश आप कर रहे हैं, आपको मुंह में जलन हो रही है या फिर कुछ भी चीज़, तो फिर उसकी एक्सपायरी डेट आप चेक कर लें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप कहीं से भी शॉप से कहीं से भी माउथ वॉश उठा के ले आते हो, वो एक्सपायर्ड होता है, मैंने कई केसेस में देखा है, या फिर घर पे ही रखा है वो एक्सपायर हो जाता है, आपको पता नहीं होता। तो मुँह में जब आप उसको लेते हो ढक्कन में, मुँह में आप उसको कुल्लू करते हो, माउथ वॉश करने की कोशिश करते हो, तो वो मुँह में एक तरह से बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट कर देता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप पहले उसकी एक्सपायरी चेक करें, मैनुफैक्चरिंग डेट चेक करें, तो उसके बाद ही, और कोशिश करें नियर बाई डेंटिस्ट के पास जाके ही चेकअप करा के, तब वो आपको उस हिसाब से माउथ वॉश देगा, ठीक है। आप जाओगे तो एक आपका डेंटल चेकअप हो जाएगा और साथ के साथ अपना आपको कई डेंटिस्ट हैं जैसे हमारे जैसे हैं, तो आपको माउथ वॉश फ्री भी दे देंगे, ठीक है। तो आप नियर बाय डेंटिस्ट के पास, श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल है हमारा, ससोली गवर्नमेंट स्कूल के पास है, तो आप आएँ, यहाँ पर आपको कई चीज़ें फ्री भी मिलेगी, ठीक है। ये मैं जाग नहीं कर रहा, ये सही भी चीज़ है, आपको फ्री भी मिलेगी कई चीज़ें। तो आप आओ, अपना चेकअप कराओ और अपने जो ओरल कैविटी का ध्यान रखें। आपको काउंसलिंग फ्री में कर दी जाएगी, आपकी ओपीडी का कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा, और भी आपको अच्छे अच्छे छोटे मोटे गिफ्ट मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।